अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, केवीएन चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ सानिया। अब नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। आरएस यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, ऑपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूँ सज्जाद जैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये कैसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहाँ पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साथी। तेलंगाना के बाज़ अज़ला में जबरदस्त बारिश की पेशकयासी, चीफ सेक्रेटरी ने जिला कलेक्टर्स को चौकन्ना रहने की दी हिदायत। आरमोर के मशहूर डॉक्टर बी मधुशेखर तेलंगाना स्टेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के चेयरमैन मुकर्रर। मजदूरी देकर लोगों से भीख मंगवाने का पर्दाफाश, हैदराबाद में 23 भिखारी गए पकड़े। मेदक रेलवे ट्रैक पर फ्लाईओवर के काम शुरू किए जाएं, साउथ सेंट्रल रेलवे पोर्ट का इजलास, रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी का खिताब। साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बी ने वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामा राव पर की सख्त तनकीद। कांग्रेस कायदीन के खिलाफ गैर पार्लियमानी अल्फाज के इस्तेमाल पर दिया सख्त इंतबाह। पुराने शहर के मसाइल पर कांग्रेस पार्टी अलहदा डिक्लेरेशन करेगी जारी, गुर्बत और तालीमी पसमानदगी अहम मसाइल, 58 लाख खानदान स्लम इलाकों में मुकीम। सदर हैदराबाद जिले कांग्रेस कमेटी समीर वलीउल्लाह का बयान। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 30 लाख की रिश्वत मांगने पर सीजीएसटी अफसर को कर लिया गिरफ्तार। जाधवपुर यूनिवर्सिटी तनाजे पर सौरभ गंगोली ने कहा, रैगिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है जरूरत, तालिब इल्म की मौत को इंतहाई शर्मनाक दिया करार। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाब से कबल बीजेपी को लगा एक और झटका, नीमच के कदावर लीडर समंदर पटेल कांग्रेस में शामिल। एलूर में फिर मॉब लिंचिंग, अखिलियती तबके के 3 नौजवानों को दर्जन भर लोगों ने पीटा बेरहमी से, एक की मौत जबकि 2 दीगर जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी से की टेलीफोनिक गुफ्तगू, चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल को बढ़ाने समेत दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर किया तबादला ख्याल। 24 अगस्त से जयपुर में तिजारत सरमायाकारी पर G20 वजारत इजलास, इत्तेफाक राय पैदा करने की जाएगी कोशिश। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट केनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद जैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये कैसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साथिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, आरएनएस यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनी स्टोन है, इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पत्री ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पत्री फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था, कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनी स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता नहीं चला। थैंक यू फॉर यूनी स्टोन। నేను ఒక సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్ తో చాలా బాధపడ్డా, డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది, అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్ లో ఆర్డర్ చేశారు। ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనీ స్టోన్ వాళ్ళ పౌడర్ పంపించారు, అది తాగిన వెంబడే क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लैडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे, उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था ना कुछ, नहीं कहने। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का,
बहुत फायदा हो। रशीद जी आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा, एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय आरएनएस यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा में बहादुरपुरा एक्स रोड हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। आरएनएस यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट केनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।